गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यह आपका EVS में लेसन नंबर 14 है, फॉरेस्ट। लास्ट वाली क्लास में हमने फॉरेस्ट और मॉडर्न मैन के बारे में पढ़ा था कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोग जो हैं वो फॉरेस्ट को क्लीन करते जा रहे हैं ताकि उसकी जगह पर वो खेती कर सके या फिर नगरों को और शहरों को बसा सके। लेकिन फॉरेस्ट के कारण बहुत सारी आपदाएं हमारे ऊपर आ जाती हैं, जैसे कि सॉइल इरोशन होता है, मिट्टी कटती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ हटते जाएंगे तो पेड़ों की जो जड़ होती हैं वो जड़ मिट्टी को पकड़े रहती हैं। लेकिन अगर हम पेड़ों को ही काट देंगे तो वो जड़ जो है वो मिट्टी को नहीं पकड़ पाएगी, और जिसके कारण मिट्टी कटती चली जाएगी या फिर लैंडस्लाइड होती है, मिट्टी खिसक जाती है, मिट्टी खिसक के नीचे आ जाती है, या फिर उसकी बरसात वगैरह ज़्यादा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। आज हम नीड टू कंसर्व फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हमें फॉरेस्ट को बचाने की ज़रूरत क्यों है। टू स्टॉप सॉइल इरोशन, लैंडस्लाइड एंड डिफरेंट नेचुरल कैलामाइट्स, यानी कि बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए, सॉइल इरोशन को रोकने के लिए, लैंडस्लाइड मिट्टी के खिसकने को रोकने के लिए, वी शुड कंसर्व फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट एंड डू नॉट कट देम, हमें फॉरेस्ट की देखभाल करनी चाहिए और उन्हें काटना नहीं चाहिए। आल्सो टू सेव द ट्राइबल ट्राइब्स एंड देयर हैबिटेट, और उनके साथ साथ हमें आदिवासी लोगों को भी बचाना चाहिए और उनके जनजीवन को भी बचाना चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ मेड एक्ट टू प्रिवेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, इसीलिए सरकार को नए नए नियम बना देने चाहिए जिससे फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, जंगली जीवन को बचाया जा सके। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार नो फॉरेस्ट कैन बी क्लियर विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि बिना सरकार के परमिशन के किसी भी फॉरेस्ट को साफ नहीं किया जा सकता, किसी भी फॉरेस्ट को नहीं काटा जा सकता। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज़ बैंड, यानी कि पेड़ों को काटने पर बैन लगा देना चाहिए, निषेध लगा देना चाहिए कि अगर कोई भी पेड़ को काटेगा तो उसे पनिश किया जाना चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ आर प्लांटेड ऑन वेस्ट लैंड्स, जो बेकार की भूमि पड़ी हुई है उस पर हमें ज़्यादातर पेड़ों को लगाना चाहिए। पीपल आर मेड अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट, और लोगों को जागरूक करना चाहिए ट्रीज़ के लिए और फॉरेस्ट की महत्वाकांक्षा को, महत्वपूर्ण को बनाने के लिए, ट्रीज़ को महत्वपूर्ण बनाने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। वन महोत्सव, अ वीक लॉन्ग ट्री प्लांटेशन फेस्टिवल इज सेलिब्रेट एवरी ईयर ड्यूरिंग मानसून इन जुलाई, यानी कि वन महोत्सव जो एक कार्यक्रम है जिसमें एक फेस्टिवल की तरह मनाना चाहिए, जिसमें बहुत सारे ट्रीज़ को लगाया जाए। ये जो फेस्टिवल है वो प्रत्येक वर्ष मानसून में मनाया जाता है, यानी कि जुलाई में मनाया जाता है। इन दिस फेस्टिवल थाउजेंड ऑफ पीपल आर मोटिवेट टू प्लांट ट्रीज एंड लुक आफ्टर दैम, इस फेस्टिवल में हज़ारों लोगों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं और उनकी देखभाल कर सकें। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।